ये सरकार इतनी तानाशाही हो गई है, जब तक सड़कों में हुजूम नहीं दिखेगा, जेल भरो आंदोलन शुरू नहीं होंगे, तब तक इस देश की सरकार पर कान में जू नहीं रेंगने वाला। ये जाति जनगणना का नैरेटिव इस समय सबसे बड़ा नैरेटिव है। यदि ये जाति जनगणना हो गई इस देश में, ईमानदारी से हो गई, तो इस देश का सिनारियो बदलेगा। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, एक भी विश्वविद्यालय में बता लीजिए जो EWS की पोस्टें खाली हों, 100% भरी गई हैं। जब से SC ST का आरक्षण लागू हुआ है, तब से आज तक कोटा नहीं भरा गया है। ये 10% जो इनलीगल, अवैध, अनैतिक, हर तरह का आरक्षण जो है, वो क्या हुआ है, इसकी पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से इसको भरा जा रहा है। ये सरकार इतनी तानाशाही हो गई है, जब तक सड़कों में हुजूम नहीं दिखेगा, जेल भरो आंदोलन शुरू नहीं होंगे, तब तक इस देश की सरकार पर कान में जू नहीं रेंगने वाला। और जो कुछ हो रहा है वो एकदम डंके की चोट पे करेंगे, उनके पर हर इंस्टीट्यूशन में कब्जा। जाएंगे कहाँ है आप उच्चतर संस्थाओं में जाएंगे शिकायत करने के लिए, सब उनके पास है। EVM का हल्ला हो रहा है, पूरा हरियाणा का जन जन जान रहा है कि क्या हुआ, महाराष्ट्र में भी यही सुन रहे हैं। तो आप कर क्या कर रहे हो? आप पहली बात तो, यदि आपको EVM का डर है और EVM से लोग पूरा एकदम प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, तो आपको EVM से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। आप संपूर्ण बहिष्कार कीजिए, बनाने दीजिए BJP को अकेले सत्ता, फिर देखिए कैसे प्रेशर में नहीं आती है। आप हाँ हाँ भी कर रहे हैं, ना भी कर रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। मोदी मॉडल एकदम डिफरेंट मॉडल है, वो आपको सांस लेने के लिए जगह नहीं छोड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि मोदी कमज़ोर हो गए, इनके 240 विधायक 240 विधायक आए हैं तो मोदी कमज़ोर हो रहे हैं। बताइए कहाँ पे उन्होंने कमजोरी साबित की अपने, हर चीज़ को तो ख़त्म कर रहे हैं वो। तो ये कांग्रेस पार्टी को भी अब सोचना चाहिए, जो आप हर जगह संविधान लेके चल रहे हैं। ठीक है, राहुल जी व्यक्तिगत रूप से विचार अच्छे रख रहे हैं, इसको समर्थन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन केवल विचारों से इस समय काम नहीं चलने वाला। इस देश में बड़े आंदोलनों की ज़रूरत है, जन आंदोलनों की ज़रूरत है, जिसका निश्चित रूप से जब आपको इतनी सत्ताएं मिली हैं, इतने साल आपको विपक्ष का नेता भी चुना है लोगों ने, तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। हम आप जैसे बुद्धिजीवी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं, विचार कर सकते हैं, हम लोग आंदोलन खड़ा करने में भूमिका निभा सकते हैं विचारों के माध्यम से, लेकिन पब्लिक को आप ही डील करेंगे। आप रामलीला मैदान में क्यों नहीं बुलाते, जब कांग्रेस पार्टी का 2000 बाबा रामदेव और अन्ना हजारे एंड संस का जो आंदोलन हुआ, तो आपके खिलाफ एकदम पूरा आंदोलन हुआ। आप कहाँ हैं जब आप पूरा इस समय जनता त्राही त्राही कर रही है, तो आप कहाँ हैं? आप जब तक सड़कों में नहीं उतरेंगे, समस्या मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ समाधान होगा। चिल्लाते रहिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खेलते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। और रोड ही रास्ता बचा है एकदम। इस देश में अब ऐसा महसूस होने लगा है, खासतौर से महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, कि यदि जन आंदोलन नहीं हुए हैं, वो भी सड़कों पे आंदोलन नहीं, अहिंसक में आंदोलन के समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन आंदोलन सड़कों में होना चाहिए, प्रोटेस्ट दिखना चाहिए और बड़े पैमाने पे दिखना चाहिए, जिससे सरकार को लगे कि नहीं, आम नागरिक अभी आपका प्रतिरोध कर रहा। अभी तो ऐसा नैरेटिव ये लोग खड़ा कर दे रहे हैं, एलन मस्क जैसे आदमी को उन्होंने नकार दिया, जो दुनिया में स्पेस शटल को वापस ले आया और पूरा साइंस टेक्नोलॉजी का इस समय मास्टर है, उसको कह रहे हैं कि नहीं, हमारी भी सुरक्षित है। तो आप कहाँ पे अब लड़ेंगे? आपके राजीव कुमार जी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे उस संघर्ष को दिखाएंगे? सड़क में ही दिखाएंगे? नहीं, विपक्ष भी जब चुनाव जीत जाता है तब तो ये पर सवाल खड़े नहीं करता, लेकिन जब हार जाता है तो फिर कहता है EVM में गड़बड़ है। ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आज शायद हमको लग रहा है, अभी मैंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है विपक्ष की, तो पहली बार उन लोगों ने ये चीज बोली जो हम लोग बहुत पहले से बोल रहे हैं, कि क्या है, स्ट्रेटजी के तहत 2 राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव कराए जा रहे हैं, जब पूरे देश में एक साथ हो रहा है, आपके पास इतने हाई टेक्नोलॉजी है, आपके पास EVM कि इतनी असंख्य संख्या है, तो एक साथ क्यों नहीं इलेक्शन हो सकते थे? लेकिन एक जानबूझ के उसी स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है कि छोटा मोटा राज्य विपक्ष को दे दो, ज़्यादा हल्ला ना हो, जब EVM का हल्ला करें तो दिखा दें आप वहाँ भाई क्यों नहीं बोल रहे हो, वहाँ तो जीत गए आप। लेकिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है हरियाणा, इनका जीतना जितना ही महत्वपूर्ण था, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका महाराष्ट्र जीतना था। हम लोग इस बात पे हमेशा संकेत थे कि ये महाराष्ट्र नहीं है किसी भी तरह से विपक्ष को जीतने देंगे, चाहे इनको जो कुछ करना पड़े, और वो हुआ, और इतना रिजल्ट का ऐसा रिजल्ट टर्न हुआ, तो ये आप कब तक आप बैठे रहेंगे शांति से? आप सर नाखुश हैं, लेकिन विपक्ष तो खुश है, विपक्ष की आवाज़ विपक्ष खुश नहीं रहे तो आप बोलिए, तो फिर BJP का अलायंस वो भी बन जाए, लड़ने दीजिए फिर आप पब्लिक को।
आप घोषित कर दीजिए। देखिए केवल घोषणा ही बाकी है ना संविधान दिवस कि संविधान इस देश में लागू नहीं है। संविधान लागू होता तो विपक्ष की बात सुनी जाती, संस्थाओं का स्वायत्तता बरकरार रहती, प्राइवेटाइजेशन एकदम अबाध रूप से नहीं होता, शिक्षा पे बेरोजगारी पे नियंत्रण रहता, सब पॉलिसियों पे काम होता ना, है कहाँ इस समय। अब एकदम बताइए मुझे कहाँ कहाँ किस किस संस्था में दिख रहा है, ए बी सी डी किसी भी संस्था को आप गिना दीजिए जो सरकारी संस्था है। मैं अभी इस महत्वपूर्ण प्रश्न को फिर लिटरेरी एंट्री विश्वविद्यालयों में हो गई है थ्रू UGC के थ्रू प्रोफेसर ऑफ इमिनेंस, क्या करेगा विपक्ष? आरक्षण है इसमें फॉलो कर रहे हैं लोग? कोई आरक्षण का प्रोविजन नहीं है, केवल और केवल एक ईमेल पे एप्लीकेशन मंगाई जा रही है जिसके आधार पर अपने लोगों को वो अपॉइंट कर देंगे और 5 साल की नौकरी देंगे। जिस तरह अग्निवीर बना रहे हैं उन्होंने बनाया, इस तरह से शिक्षक वीर भी तैयार होने जा रहे हैं। आज़ादी के बाद से 3 तरह की मुख्य धाराएं रही, एक तो दक्षिण पंथ, वाम पंथ और एक दलित राजनीति भी अपने आप में बाबा साहब के समय से ही एक उफान पर रही है, लेकिन वर्तमान सिनेरियो में अगर देखा जाए तो दलित राजनीति किधर है और कहाँ? देखिए दलित राजनीति का जो यदि हम वैचारिक स्तर पर बात करें तो दलित राजनीति ही राजनीति ना कहिए, दलित विचारधारा ही सबसे मुख्य रूप से जो RSS संघ के खिलाफ लड़ रही है। इनको खतरा दलित राजनीति से उतना नहीं है जितना दलित विचारधारा से, अंबेडकरी विचारधारा से है। दलित राजनीति में बन जाएंगे, आपको नेता बना देंगे, इसके बाद आपको घोटाले में फंसा के आपको 5 साल के लिए शांत कर देंगे। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, जितने भी दलित बड़े लीडर हुए हैं जो मुखर हुए हैं उनका क्या हर्ष हुआ? या फिर BJP उसको अपने पाले में ले लेती है, अपने पाले में नहीं ले पाएगी तो आपको ED CD और इस समय तो सब उसके पास कब्जे में है, आपको एकदम पूरा आपका आंदोलन ही क्रश कर देंगे। तो दलित BJP RSS को केवल और केवल खतरा जो है वो अम्बेडकरवाद से ही है, इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा। और ये जो मुख्य जो सही में लड़ाई लड़ रहा है, जो आज से नहीं, जो 200 साल से लड़ाई लड़ रहा है, बाबा साहब के समय से लड़ाई लड़ता है, तो कौन सा आंदोलन? दलित। दलित ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक, एक प्रकृति का नियम होता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता है वो सबसे ज़्यादा सबसे पहले रिएक्ट करता है। इसमें इन्होंने अब धीरे से देखिए एक क्रीमी लेयर वाला मुद्दा भी बीच में आ गया था, ठीक है, कैटेगराइजेशन का मुद्दा आ गया था। तो ये क्या है कि आपस में दलित का आंदोलन, जो दलित सबसे सशक्त रूप से बोलता है, उनकी विचारधारा बड़ी स्ट्रांग है, तो आप क्या करेंगे उसको उसको डाइल्यूट करने के लिए आपने नए नए सिगू पे कभी क्रीमी लेयर, कभी वर्गीकरण के ये खा गए वो खा गए। अरे अभी इतने सालों में भैया पहले पूरा तो कर दो, कौन किसका खाया। इसलिए जाति जनगणना की बात भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहा है। जब विपक्ष में BJP थी तो वे भी बात कर रही थी, तो अब कहा ही नहीं भाई हो रहा है। ये जाति जनगणना का नैरेटिव इस समय सबसे बड़ा नैरेटिव है। यदि ये जाति जनगणना हो गई इस देश में ईमानदारी से हो गई तो इस देश का सिनारियो बदलेगा, 100% बदलेगा। फिर कोई किसी को ये नहीं कह पाएगा कि तुमने मेरा खा लिया, उसने उसका खा लिया। आपके सीधे सीधे आ जाएंगे कि आपकी संसाधनों में किसकी भागीदारी। और केवल आरक्षण का मुद्दा नहीं है कि ये पूरी संसाधनों में भागीदारी के लिए अब से में लड़ाई हो रही है, और ये होगी, डिले हो सकता है, संघर्ष देखना है कितना धैर्य है लोगों के पास। और टूट इस समय बेचैनी बहुत ज़्यादा है और कभी भी ये फूट पड़ सकती है। सर आरक्षण का तो मुद्दा ही खत्म हो गया क्योंकि संवर समाज को भी 10% आरक्षण मिल गया। वो तो अनैतिक आरक्षण है अब, लेकिन ये है कि जब भाई आप हर जगह प्रभावी हैं, आपको आंदोलन खत्म करना है, घोषणा नहीं करनी है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ लेटर एंट्री विश्वविद्यालय में शुरू हो गई, ठीक है, इसी तरह EWS क्या है, पूरे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, एक भी विश्वविद्यालय में बता लीजिए जो EWS की पोस्टें खाली हों, 100% भरी गई हैं। जब से SC ST का आरक्षण लागू हुआ है तब से आज तक कोटा नहीं भरा गया है। ये 10% जो इनलीगल, अवैध, अनैतिक, हर तरह का आरक्षण जो है वो क्या हुआ है, इसकी पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से इसको भरा जा रहा है। और ये भी चैलेंजेज है कि हर, मैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, हर विश्वविद्यालय का मैं कह रहा हूँ कि आप EWS के मार्कशीट या EWS का जो सर्टिफिकेट है उसकी चेक करवा लीजिए, एक निष्पक्ष जांच करा लीजिए, 99.9 आपको फर्जी मिलेंगे उसमें से। लेकिन क्योंकि उनको अपने लोगों को लाना है, ये खेल है, आप चिल्लाते रहिए। इंदर जी, PDA का नारा दे के, संविधान बचाओ का नारा दे करके समाजवादी पार्टी लगभग 40-39 सीट जीतने में सफल रही उत्तर प्रदेश में। हाँ। बहराइच और संभल मामला जब होता है उसी PDA पर अत्याचार होता है तो पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने कहा ना कि
दलितों में बिखराव हो गया राजनीतिक रूप से। चंद्रशेखर भी बड़ी एक उधर उभर के आ गए। बहन जी का अपना एक वो वोट बैंक था, बहन जी अब क्या कर रही है वो तो चली प्रश्न है ही। लेकिन जब इन्होंने पीडीए का ये एक अखिलेश जी ने इस समय काम अच्छा किया था कि कम से कम इन्होंने यदि पीडीए की बात कर रहे थे तो कैंडिडेट पीडीए के ही उतारे, इस पर उनको साधुवाद देना चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से उपचुनाव सत्ता ने जो षड्यंत्र किया, आपको इतने ज़्यादा वीडियो आपको देखने होंगे कि किस तरह से आपको बंदूक की नोक पर रोका जा रहा है। तो जब आप देखिए, एक तो वोट ना डालने दो, इसके बाद आपका वोट आपका रह ही नहीं गया, आप केवल जाते हो बस मशीन में अंगूठे लगा के चले जाते हो, वोट कहाँ जाना है डिसाइड सत्ता पक्ष कर रही है, तो आपका वोट भी नहीं है। आपको लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने दिया था कि भाई सबका वोट बराबर, मजदूर का भी बराबर, आईएएस का भी बराबर, राजा का भी बराबर, एक ही वोट है सबका, मूल भी बराबर है, उसका मोल भी बराबर है। लेकिन सबको आपने ख़त्म कि आपका वोट ही नहीं है, हमको तुम्हारी चिंता ही नहीं है, तुम दो हम लेके आए हैं। कांग्रेस ही लाई थी ईवीएम, पाप तो नहीं का है, ठीक है। लेकिन अब कांग्रेस जो लाई थी, बीजेपी उस पर खुल के खेल रही है और कह रही है जो कुछ करना हो कर लो।